बच्चों, आज की क्लास में हम बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा की रचना करना सीखेंगे जिस वृत्त का हमें केंद्र ज्ञात ना। लास्ट क्लास में हमने बाह्य बिंदु से वृत्त में स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना सीखा था, उस वृत्त का हमें केंद्र ज्ञात था। आज की जो रचना है बाह्य बिंदु से वृत्त में स्पर्श रेखा खींचना जिसका केंद्र ज्ञात ना। ठीक है, इसमें एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन है, एक चूड़ी की मदद से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु अंकित करें, इस बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा युग्म करें। क्या करना है? इस बिंदु से वृत्त में स्पर्श रेखा युग्म बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो चूड़ी की सहायता से या चूड़ी की सहायता से हमें क्या करना है, वृत्त बनाना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। क्योंकि यदि हमें वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं होगा तो हम वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना नहीं कर पाएंगे। तो वृत्त का केंद्र हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आइए चूड़ी की मदद से हम एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे चूड़ी की सहायता से। ठीक है, इस वृत्त का हमें केंद्र ज्ञात नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस वृत्त का हमें केंद्र ज्ञात करना है। केंद्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। यानी यदि हम जीवा का लंब समद्विभाजक खींचे तो वो सदैव कहां से ऊपर जाएगा, वृत्त के केंद्र से ऊपर जाता है। ठीक है, यदि हम जीवा का लंब समद्विभाजक खींचे तो वो सदैव वृत्त के केंद्र से ऊपर जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दो जीवा ले लेनी है। दो जीवा इस प्रकार लेंगे और इन दोनों जीवाओं पर हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे। क्या करेंगे, हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे और जो लंब समद्विभाजक होगा वो कहाँ से ऊपर जाएगा, वृत्त के केंद्र से। प्रमेय पढ़ी है हमने, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब हम क्या करेंगे, जीवा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और वो सदैव कहां से ऊपर जाएगा, वृत्त के केंद्र से। ठीक है, तो हम दो जीवाएं इस प्रकार लेंगे कि उनके लंब समद्विभाजक एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वही प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, क्योंकि इसी वृत्त में जीवा का जो लंब समद्विभाजक होता है वो कहां से ऊपर जाता है, वृत्त के केंद्र से ऊपर जाता है। अब आइए जीवा का लंब समद्विभाजक करते हैं। यहाँ पर प्रकार के लोग रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक नीचे, वही काम यहाँ से करना है, चाप लगाना है। इसको क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, ठीक है, दूसरी जीवा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। यहाँ पर प्रकार के लोग रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक नीचे, यहाँ पर भी फिर क्या करेंगे, दूसरे बिंदु से आधे से अधिक दूरी हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि दोनों चाप एक दूसरे को काटें। यदि हम आधे से अधिक दूरी नहीं लेंगे तो चाप एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, अब आइए इसको मिला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, ये क्या होगा, वृत्त का केंद्र। ठीक है, यहाँ से हमें वृत्त का केंद्र ज्ञात हो गया। हमने क्या किया, वृत्त में दो जीवाएं ली और दोनों जीवाओं का हमने लंब समद्विभाजक खींचा जो कहां से ऊपर जा रहा, वृत्त के केंद्र से। ठीक है, अब क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र हमें मिल गया। यहाँ पर एक हम बाह्य बिंदु ले लेंगे P और इस बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे। क्या करेंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे। अब इसमें रचना के चरण भी लिखते जाइए। रचना के चरण में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचा चूड़ी की सहायता से। सर्वप्रथम क्या किया हमने, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा।
अब व्रत में हमने क्या किया, दो जीवाएं ले ली हमने, दो जीवाएं ले लीजिए आप, दो जीवाएं कोई भी ले लीजिए, पीक्यू और आरएस, दो जीवाएं ले ली। इन दोनों जीवाओं का हमने लंब समद्विबाह भाज्य खींचा जो कि कहां से होकर जा रहा है, वृत्त के केंद्र से। ये पॉइंट हमें मिल जाएगा वृत्त का केंद्र। अभी बाह्य बिंदु ले लेंगे, बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाया। अब इस बाह्य बिंदु पी से इस दिए गए वृत्त में हमें स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो ओपी रेखाखंड है इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। क्या करेंगे, हम ओपी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, पी पर प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक नीचे। वही काम यहाँ पर हमें ऊपर प्रकार की नोक रखनी है, आधे से अधिक दूरी, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक नीचे। और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु पी को मिलाया। ठीक है, ओपी रेखा का हमने लंब समद्विभाजक किया। लंब समद्विभाजक करने के लिए हमने क्या किया, P पर प्रकार की नोक रखी, आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक नीचे। वही काम को यहाँ कहाँ से करना, O बिंदु से, बिंदु O पर प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से अधिक दूरी, वही चाप ऊपर नीचे लगाएंगे, कटान बिंदु को ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा लंब समद्विभाजक मिल गया। इस बिंदु को क्या मानेंगे, M। कि जो M बिंदु है वो OP का क्या है, मध्य बिंदु होगा। M क्या होगा, OP का मध्य बिंदु होगा। यानी जो MP दूरी होगी वही MO दूरी होगी। ठीक है, MP और MO क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, हमने लंब समद्विभाजक खींचा है तो ये OP रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी M OP का क्या है, मध्य बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, M को केंद्र मानकर, क्या करेंगे हम, M को केंद्र मानकर MP त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे हम, M को केंद्र मानकर MP त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जो कि मूल बिंदु, मूल वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगा। ये क्या करेंगे हम, M को केंद्र मानकर MP त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ये वृत्त क्या आएगा, डॉटेड आएगा। क्या किया हमने, एम को केंद्र मानकर एम पी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो कि मूल वृत्त को, अब ये डॉटेड वृत्त आएगा, कैसा वृत्त आएगा, ये डॉटेड वृत्त आएगा। हमने क्या किया, एम को केंद्र मानकर एम पी त्रिज्या का एक हमने वृत्त खींचा, डॉटेड वृत्त ये हम खींचेंगे। ठीक है, जो कि मूल वृत्त को दो बिंदुओं में काटता है। इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, बिंदु ए और बिंदु बी, जो कि मूल वृत्त को, जो पहले वाला वृत्त है, इस बिंदु वृत्त को दो बिंदुओं में काटता है। इसको मान लिया हमने बिंदु ए और दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया, बिंदु बी। ठीक है, अब ये बाह्य बिंदु है। अब इस बाह्य बिंदु से हमें इस वृत्त पे क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। तो हम क्या करेंगे, बिंदु B को बिंदु A से मिलाएंगे। देखिए क्या करेंगे हम, बिंदु B को बिंदु A से मिलाएंगे। ये पहली स्पर्श रेखा आ जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा देखिए क्या आएगी, P को दूसरे बिंदु B से मिलाएंगे। ये PA और PB क्या प्राप्त होगी हमें, स्पर्श रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, फिर से देखिए हमने क्या किया, बाह्य बिंदु P से बिंदु A को मिलाते हुए हमने रेखा खींची। ठीक है, और वही बाह्य बिंदु P से हमने क्या किया, बिंदु B को मिलाते हुए रेखा खींची। ये PA और PB क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, रचना की सरल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचा। फिर हमने क्या किया, वृत्त में दो जीवाएं
नथ में दो जीवाएं PQ तथा RS लिया, PQ तथा RS लेकर उनका लंब समद्विभाजक कीजिए। क्या किया हमने? लंब समद्विभाजक कीजिए। लंब समद्विभाजक कीजिए तो यहां से हमें वृत्त का केंद्र O प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? वृत्त का केंद्र O प्राप्त हो जाएगा। जब हमें वृत्त का केंद्र O प्राप्त हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजक कहलाता है। यानी यदि हम जीवा का लंब समद्विभाजक खींचे तो वो सदैव वहां से होकर जाएगा वृत्त के केंद्र से। तो दोनों लंब समद्विभाजक यहां पे प्रतिच्छेद करेंगे वो हमें वृत्त का केंद्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? वृत्त के O को बी से मिलाएंगे, बाह्य बिंदु की लेकर बाह्य बिंदु P लेकर इसे मिलाएंगे O से मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे? OP का लंब समद्विभाजक खींचा, OP का लंब समद्विभाजक खींचा, OP का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, जो कि रेखा OP को बिंदु M पर काटता है। OP का हमें लंब समद्विभाजक खींचा जो कि रेखा OP को बिंदु M पर काटता है। क्या करना है? बिंदु M पर काटता है। अब ये जो M बिंदु है वो क्या है? OP का मध्य बिंदु है। M क्या है? OP का मध्य बिंदु है। अब क्या करेंगे हम? M को केंद्र मानकर M भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। जो अगला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? यहां पर लिखेंगे M को केंद्र मानकर MP त्रिज्या का MP त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो कि एक वृत्त खींचा जो कि मूल वृत्त को पहले वाला जो वृत्त था जो कि हमने चूड़ी की सहायता से बनाया था जो कि मूल वृत्त को बिंदु A तथा B पर काटता है। बिंदु A तथा B पर काटता है। अब हम क्या करेंगे? PA तथा PB को मिलाएंगे जो कि मूल वृत्त को बिंदु A तथा B पर काटता है। ठीक है, तो ये हमने जो वृत्त बनाया है ये मूल वृत्त को बिंदु A और बिंदु B पर काटता है। अब हम क्या करेंगे? P को A से मिलाएंगे, PA और PB को मिलाएंगे। PA तथा PB को मिलाया, यही क्या है? स्पर्श रेखा। यही हमारी क्या है? अभीष्ट स्पर्श रेखा है जो कि हमने बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची। इसका एक ज्ञान नहीं है, तरीका बिल्कुल वही है जो कि बाह्य बिंदु से हमने वृत्त का केंद्र ज्ञान करना सीखा था। लेकिन यहाँ पर हमें वृत्त का केंद्र ज्ञान नहीं है, तो सबसे पहले हमने वृत्त का केंद्र ज्ञान किया। जीवा का लंब समद्विभाजक खींचा और सदैव वहां से उठ जाता है वृत्त के केंद्र से। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 60 अंश के कोण पर झुके हों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, फिर हमें दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुके हों। अब आइए इसका सबसे पहले हम इसका रफ डायग्राम समझते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम इसका प्रयोग डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका रफ डायग्राम समझते हैं। रफ डायग्राम क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर कितने अंश के कोण पर झुके होंगे? जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुके, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु है, ये A हो गया और
और ये क्या हो गया ठीक। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होगी, तो ये कोण कितना होगा 90 अंश का। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होगी, तो ये वाला कोण भी क्या होगा 90 अंश का। ठीक है, ये कोण 60 अंश का प्रश्न में देके दिया गया है। क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुके होंगे, यानी ये कोण हमें दिया गया है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहां पर देखिए कोण OA की बराबर 90 होगा, कोण OB की बराबर भी 90 अंश होगा, और कोण APB क्या होगा 60 अंश, यह हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये कोण निकालना है। ठीक है, कौन सा कोण निकालना है, ये तो अब देखिए चतुर्भुज AO, चतुर्भुज AOBB में चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोण APB प्लस कोण OAP प्लस कोण OBB प्लस कोण AOB बराबर क्या आएगा 360। ABB का मान 60 अंश है, OAP 90 है, OBB क्या है 90 है। अब यहां से हमें कोण AOB का मान निकालना है, देखिए AOB क्या आ जाएगा, AOB बराबर आएगा 360 माइनस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 75 करेंगे, 360 को घटाएंगे तो 90 और 90 180 और 60 क्या हो गया 240। अब यहां पे हम 240 माइनस करेंगे तो यहां से AOB हमें क्या प्राप्त होगा 120 अंश। ठीक है, AOB हमें क्या प्राप्त होगा 120 अंश। अब देखिए रचना हम कैसे करेंगे, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, फिर हम क्या करेंगे यहां पर एक व्यास खींचेंगे, यहां अगर हम केंद्र पे कोण 120 अंश का बनाते हैं, केंद्र पे कोण क्या बनाते हैं 120 अंश का, और हमें यह पता वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होगी, अगर ये स्पर्श रेखा बनेगी तो ये कोण क्या होगा 90, ये कोण 120 होगा, अगर हम बिंदु A से 90 बनाएंगे, बिंदु B से 90 बनाएंगे तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर काटेंगे, वो बाय बिंदु हमें P प्राप्त होगा, और ये जो कोण प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 60 अंश। ठीक है, अब आइए इसको बनाते हैं, ये हमने आपको रफ आइडिया दिया था 120 अंश का कोण हम क्यों बनाएंगे। ठीक है, अब आइए इस रचना को करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। आइए सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे जिस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे हम, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींच दिया। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, ये बिंदु क्या मान लेंगे हम A, ये हम व्यास बनाएंगे इसका, ये केंद्र O है। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेंगे C। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था कि जो केंद्र पे कोण बन रहा था वो कितना बन रहा था 120 अंश। अब हम क्या करेंगे 120 अंश का कोण बनाएंगे, यहां पे प्रकार की होकर कि एक चाप लगा दिया हमने। ठीक है, 60 अंश का कोण बनाना आता है, 60 अंश का कोण बनाना आता है, 120 अंश का कोण हम कैसे बनाएंगे, यहां प्रकार की नोक रखी एक चाप लगाया, यहां प्रकार की नोक है एक कट लगाए कितना बन गया 60, फिर दूसरा कट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 120। ये जो बिंदु प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा हमें बिंदु बी। ठीक है, फिर से देखिए 120 अंश का कोण हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर हमें 120 अंश का कोण बनाना है, कोई भी एक चाप लगाएंगे, यहां प्रकार की नोक रखेंगे एक चाप लगाएंगे ये बन गया 60, तो यहां प्रकार की नोक रखेंगे दूसरा चाप लगाएंगे तो ये कितना बन गया 130। इसको हम मिला देंगे तो ये जो बिंदु प्राप्त होगा ये क्या प्राप्त होगा बिंदु बी। ठीक है, कोण कितना बन रहा है 120 अंश। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है। क्यों 90 अंश का कोण क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहां से हमें स्पर्श रेखा बनानी है और स्पर्श रेखा का बिंदु A क्या होगा? स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु से अगर हम वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे तो ये जो रेखा होगी वो स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी, प्रमेय होती है। प्रमेय क्या है? वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होगी। इसलिए यहाँ पर हमें जो कोण बनाना होगा बिंदु A पर 90 अंश का और बिंदु B पर भी हमें 90 अंश का कोण बनाना होगा। दोनों रेखाएं यहाँ काटेंगी वो हमें 12 बिंदु P प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश का कोण हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक चाप लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एक चाप लगाया यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, ये बन गया 60, ये बन गया 120। 60 और 120 का अगर हम आधा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 90। यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप लगाएंगे और यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे दूसरा चाप। तो ये जो यहाँ से ये बिंदु प्राप्त होगा ये कितने अंश का कोण आएगा? 90 अंश। ठीक है, ये रेखा सीधी रेखा आएगी, इसको हम मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, ये जो कोण प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 90 अंश। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बिंदु B पर हमें समकोण बनाना है। यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, एक चाप लगाया, यहाँ प्रकार की नोक रखी, ये बना 60। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरा चाप लगाएंगे, आ गया 120। अब हम क्या करेंगे, 60 और 120 का हम आधा करेंगे। यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, यहाँ प्रकार की नोक रखी, चाप लगाया, 60 और 120 का हम आधा करेंगे। आधा करेंगे ये देखिए कोण प्राप्त होगा, ये इसको जब हम ऐसे मिलाएंगे सरल रेखा प्राप्त होगी। देखिए ये बिंदु P आ गया। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाया, वही काम हमने क्या किया बिंदु B पर भी हमने समकोण बनाया। बिंदु A से हमने 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची, बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची, जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो क्या मान लिया हमने बिंदु P। देखिए ये कोण क्या है, समकोण है, 90 अंश है, ये भी समकोण है, ये 120 अंश है। ठीक है, 90 180 और 120 कितना हो गया? 300। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तीन कोणों का योग अगर 300 है तो चौथा कोण जो ये बन रहा है ये कितना होगा? 60 अंश होगा। ठीक है, आप इसको प्रोटेक्टर से नाप के देखेंगे, चांदी से नाप के देखेंगे तो ये जो कोण प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 60 अंश। ठीक है, अब इसमें रचना के चरण लेते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। क्या किया हमने, सबसे सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। इसके बाद हमने क्या किया, AOC को मिलाया, AOC व्यास खींचा, AOC व्यास खींचा, कोण AOB बराबर, कोण AOB बराबर 120 अंश बनाया। अब हमने क्या किया, कोण AOB बराबर कितना बनाया हमने? 120 अंश। ठीक है, अब हमने फिर इसके पश्चात क्या किया, बिंदु A से समकोण बनाते हुए रेखा खींची, बिंदु A तथा बिंदु B से
सम कोण बनाया, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाया, बिंदु ए तथा बी से सम कोण बनाया, जो कि एक दूसरे को 1 दूसरे को बिंदु P पर काटता है। आप ये भी देख सकते हैं बिंदु A से समकोण बनाते हुए, बिंदु A से समकोण बनाया, फिर हमने क्या किया बिंदु B से समकोण बनाया। जब हम समकोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे तो परस्पर एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, बिंदु P पर काटता है। अगला पॉइंट क्या है, PA तथा PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। जो कि PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, केंद्र पर हमने 120 अंश का कोण बनाया। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा का लंब होती है, यानी अगर हमें यहां से बिंदु A से स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो हमें यहां पर समकोण बनाते हुए रेखा खींचनी होगी, ठीक है। वही काम हमने क्या किया, बिंदु B से बिंदु B से हमें बिंदु B से अगर हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो हमें बिंदु B से क्या करना पड़ेगा, एक समकोण बनाते हुए रेखा खींचनी होगी, जो कि दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, बिंदु P पर, ठीक है। ये कोण 90 है, ये भी 90 है, केंद्र पर 120, तीनों कोणों का योग है 300, तो चौथा कोण क्या होगा, 60 अंश होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंग कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। तीन कोणों का योग अगर हमारा 300 अंश है तो चौथा कोण क्या होगा, 60 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंग कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन दे सकता है आपसे, 60 अंश के कोण पर झुके यहाँ पर 45 दे सकता है, तो फिर हमें यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा, 135, ठीक है।